Excuse me, bro. I drew you. This is for you. Oh, bhai. एक चीज और बताना चाहूंगा, आप मुझे देख सकते हो 26 जनवरी को मेरा सिलेक्शन हुआ है हिमाचल प्रदेश से गणतंत्र दिवस के लिए okay. और 132 देश देखते हैं उस समय, तो वहाँ पे आप मुझे देख सकते हो जरूर उसके बाद। Excuse me, bro. I drew you. This is for you. Oh, bhai. Bhai saab. अरे वाह. ये आपने बनाया है? हाँ जी. अरे वाह. Thank you. ये ज़्यादा सुंदर है सर. ये ज़्यादा सुंदर है. हर सर. ये आपसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है. कैसा लगा सर आपको? सर पहली बात तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। थैंक यू सो मच। अभी आप यहाँ से जा रहे थे उस टाइम मैंने आपको देखा, मैं भी पूछने वाला था कैसे। इसीलिए हमेशा पोज मार के खड़ा होता है। कैसा लगा सर आपको? बहुत 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 धन्यवाद। पक्का ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बाय द वे सर, मैं आपका नेम जान सकता हूँ? मेरा नाम हर्ष ठाकुर है। हर्ष ठाकुर, ओके। क्या करते हैं आप? हमारे प्रेजेंट हैं एनएसएस के सीएससी मेंबर, और मैं इसी महाविद्यालय गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिंधौली का ये फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। फाइनल ईयर के? अच्छा, एनएसएस के कैप्टन? जी, प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट, ओके, गुड। अच्छा ठीक है। हर्ष बोला आपने अपना नाम ना? जी बिल्कुल। बाय द वे सर, मैं आपसे एक दो रैंडम क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मतलब अगर आप कंफर्टेबल? आपने इतना किया है, आप दो क्या आप बिठा के रखो, मैं बैठा रहूंगा। कोई बात नहीं सर, आप सब दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर आपकी लाइफ का अभी तक का सबसे हैप्पीएस्ट पार्ट क्या है, जिस टाइम आप बहुत ज्यादा खुश थे, कोई ऐसा पार्ट? अभी फिलहाल तो अभी एक्चुअली हैप्पीएस्ट पार्ट एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, उसके बाद एनएसएस में, एनएसएस की बात करूंगा तो एनएसएस में आया तो उसके बाद ड्रीम था कॉलेज में एक अच्छी अपनी इमेज अच्छी बनाने का ड्रीम था पहले से, कि अपनी एक अच्छी ड्रीम इमेज हो, कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। सेम बिल्कुल, तो सेम उसके लिए मैं एक स्पीकर भी था, अच्छा स्पीच वगैरह देता था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में। तो जब सेंट्रल हॉल का जब गेट खुला था ना पार्लियामेंट का, जहाँ बड़े बड़े मंत्रियों तक को आना अलाउड नहीं है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स वहाँ, मतलब बहुत सारी सिक्योरिटी के बाद वहाँ जाते हैं, मैं 18 की एज में पार्लियामेंट गया, मैंने हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में। नहीं यार सीरियसली, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतनी कम एज में यार। ऑल इंडिया से 23 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और हम 87 सिलेक्ट हुए थे, और हिमाचल से 18,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से हम 3 सिलेक्ट हुए। अच्छा, नहीं यार चलो बहुत बढ़िया यार, ये कांग्रेचुलेशन आपको इस चीज़ के लिए। अच्छा ठीक है, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है ना, जैसे हमारी लाइफ में अब जैसे हम अभी टीन एज से गुजर रहे हैं ना, मतलब अभी हम यूथ ही है, हम सब अभी यूथ है, तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, मतलब कुछ भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग बहुत, अभी क्योंकि इस एज में बहुत प्रॉब्लम होती है सर्वाइव करने के लिए ना, तो जैसे आपको कभी कोई, जैसे कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है आपको, तो उस चीज़ से कैसे ओवरकम करते हैं आप, या उस चीज़ से डील कैसे करते हैं आप?
जो आपने क्वेश्चन किया बिल्कुल वो खासकर जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, जैसे रिलेशनशिप की बात होगी वो सब होता है ये, नहीं नहीं होता ये, है नेचुरल नेचुरल है और पढ़ाई चलो उससे तो हमारा कोई नहीं पर ये सच्ची बात है और इस पर बात बहुत कम की जाती है और इस ये भी एक वजह होती है और कई बार जो हम सोचते हैं वो हमारे हिसाब से जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती, परिस्थितियों को हमें परिस्थिति के हिसाब से चलना पड़ता है, परिस्थिति हमारे साथ लेकिन इसके सॉल्यूशंस तो किसी के पास नहीं है आज तक। नहीं मतलब आप अपने तरीके से कैसे डील करते हैं उस चीज से, मैं बहुत सैड होते तो उस टाइम क्या करते हो आप मतलब उस चीज से ओवरकम करने के लिए? मैं वैसे तो मैं मेरी बहन है ये गॉड सिस्टर है प्रेजिडेंट है भी ओके तो वैसे मैं उससे बात करता हूँ और सुनामी ये भी मेरी बहुत हेल्प करती है ओके पर मैं अपनी जो क्या होते हैं पर्सनल लाइफ ऐसे तो आप शेयर नहीं कर पाते किसी को, खुद को आप बता नहीं सकते पर मैं बैठ के बस सॉन्ग सुनता हूँ और वो सोचता रहता हूँ कि ओवरकम कब हो मतलब कब निकलू इससे बाहर निकलो नहीं और अपने आप को बिजी कर देता हूँ किसी दूसरे काम में। हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा आंसर है आपका ये। अच्छा ठीक है और मेरा आपसे ऐसा क्वेश्चन है जैसे अब जैसे आप कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो ना बहुत ज़्यादा सैड होते हो तो उस टाइम कोई आपका कोई ऐसा फेवरेट पर्सन या कोई कोई भी हो सकता है फ्रेंड कोई भी ना जिसके पास आप सबसे पहले वो चीज़ शेयर करते हो? अच्छा यही है आपके गॉड सिस्टर ओके ओके नहीं नहीं चलो बढ़िया बढ़िया ठीक है। अच्छा ठीक है आपका कोई ऐसा ड्रीम जो आप अपने ओल्ड होने से पहले करना चाहते हो मतलब आप अभी अभी जैसे जिस एज में आप हो ना इसी एज के पास आसपास कोई आपका ड्रीम था या ड्रीम हो कुछ भी हटके एजुकेशन से हटके एक्चुअली मेरा एक ड्रीम है और मैंने एक स्टार्टअप किया था एक शुरू किया है मिशन ज्ञानोदय मैंने मुहिम स्टार्ट की थी इसी कॉलेज से मिशन ज्ञानोदय जिसके रिगार्डिंग जो हम नीडेड जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बच्चे जो होते हैं जो आप ब्रिज पे देख सकते हो मॉल पे भीख मांगते हैं आपसे वगैरह वगैरह तो मेरा जो ड्रीम है मैंने उन बच्चों के लिए एक मिशन स्टार्ट किया था लास्ट ईयर स्टार्ट किया था जिसमें जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी स्किल डेवलप करते हैं कुछ स्कूल भी नहीं जा पाते और जरूरतमंद बच्चों के लिए हम बुक्स वगैरह इकट्ठी करते हैं तो हमने ऐसा स्टार्टअप किया था और प्रेजेंट पहले स्टार्ट इसी कॉलेज से किया और आज ये पूरे हिमाचल प्रदेश में चला है ये मिशन धीरे धीरे सोच बड़ी और पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 15,000 से ज़्यादा जो है बुक्स हमने इकट्ठी कर दी और हमने कई हज़ार बुक्स जो है डोनेट भी कर लिया और हम 400-500 बच्चों को जो है बस्तियों में जाकर झुकी झोंपियों में जाकर पढ़ा रहे हैं मुफ्त में और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा अभी 24 सितंबर था वहाँ जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे थे उन बच्चों ने 2-3 हज़ार लोगों के सामने परफॉर्म किया था स्टेज पे NSS डे पे। तो मेरा ड्रीम है कि ये पूरे इंडिया में ये मुहिम शुरू हो क्योंकि देखिए मैं बात करूँ तो हम अगर हम छोटी छोटी सी सोच अगर शुरू करते हैं ना तो ये बाहर भी जा सकते हैं और इससे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मुझे 15 स्टेट से मैसेज भी आ चुके हैं अगले 15 राज्य में भी ये चीज़ शुरू होने वाली है। अरे वाह मैं चाहता हूँ ये पूरे इंडिया में मेरे मरने से पहले खासकर ये शुरू हो और ये एक आदत बने हम स्टूडेंट्स की ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नहीं नहीं सीरियसली बिल्कुल ये बहुत अच्छा लगा यार बहुत अच्छी कांग्रेचुलेशन आपको इस चीज के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो यार मैं सीरियसली बोलता हूँ आई अप्रिशिएट यू मैम मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जान के यार सीरियसली बोलता हूँ मैं ना हम भी अपनी वीडियो के थ्रू आप इस चीज को प्रमोट करेंगे पक्का प्रमोट करेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा आप मुझे देख सकते हो 26 जनवरी को मेरा सिलेक्शन हुआ है हिमाचल प्रदेश से गणतंत्र दिवस के लिए जो परेड होगी कर्तव्य पथ पर आप मुझे वहाँ देख सकते हो 26 जनवरी को और कहाँ पे होगी कर्तव्य दिल्ली में आप टीवी में देख सकते हो नेशनल टीवी ओके 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 132 देश देखते हैं उस समय तो वहां पे आप मुझे देख सकते हो। हां जरूर उसके बाद भी अगर इन फ्यूचर हम कभी मिलेंगे मैं उसके बाद का एक्सपीरियंस आपसे जरूर शेयर जरूर आपसे लूंगा मैं उस चीज का जरूर। अच्छा ठीक है अब एक लास्ट क्वेश्चन अगर आपको कोई चांस मिले ना कुछ मतलब आप लाइफ में कुछ चेंज करना चाहो अभी तक आपके पास्ट में जो कुछ हुआ है या कुछ भी हुआ है दुनिया में कुछ हुआ है कुछ भी जो भी अगर आपको चांस मिले कुछ चेंज करने का आप क्या चेंज करोगे क्या चेंज करना चाहोगे लाइफ की बात हो अपनी लाइफ या फिर कुछ भी आप चेंज करना चाहो? एक्चुअली मैं क्रिकेटर था मैंने क्रिकेट ड्रॉप किया था रणजी से तो मैंने वहाँ से क्रिकेट ड्रॉप किया किसी मैं ज़्यादा ओपनली नहीं बताऊँ कोई बात नहीं अगर पास्ट में अगर वहाँ जाता हूँ तो मैं फिर से स्टार्ट करना चाहूँगा अपनी क्रिकेट जर्नी पर अब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने मतलब जब मन से छूट गया तो छूट गया उस टाइम मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेम्स वगैरह मुझ पे आ गए थे एक तरीके से जो मैंने नहीं किया वो उसके रिगार्डिंग भी तो रीज़न बहुत बड़ा था। चलो कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं अब क्या कर सकते लेकिन चलो आपसे आपने उसके बाद भी मतलब इतनी ज़्यादा अचीवमेंट है आपके पास यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतनी कम एज में बल्कि आप अभी फाइनल ईयर में हो आप है ना यार चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है एक लास्ट मतलब अब मैं आपसे बस एक एडवाइस दूंगा क्वेश्चन मेरे सारे हो गए एक लास्ट आप जो जो हमारे को ऑडियंस देख रही है हमारी ना आप इनके लिए कुछ सोशल मैसेज देना चाहेंगे या कुछ भी लाइफ एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा बस यही मैसेज है, जैसे हमारा यूथ है कई चीजों में भटक जाते हैं, हम लोग भटक जाते हैं, मैं खुद हूँ, हम भटक जाते हैं कई चीजों में, हम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो बिलीव इन योर सेल्फ, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, कुछ खुद के ऊपर विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। सीरियसली थैंक यू। ठीक है यार, बहुत अच्छा लगा इन सबसे मिलके यार। आपका जो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को पर्सनली आप बहुत पसंद आया, आपने बहुत अच्छे से जो आप काम कर रहे हैं, आई होप आपका काम बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गाइज, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया पिछली वीडियो में, इस वीडियो में भी मैं चाहता हूँ आप ऐसा ही सपोर्ट दिखाओ। और मतलब जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, लाइक शेयर कमेंट करना पूरा, और जो पार्ट आपको इस वीडियो में अच्छा लगा उस पार्ट पे आप कमेंट करना, मैं उस पार्ट के ऊपर अलग से कोई अलग से और वीडियो बनाऊंगा, और मतलब जिसका ज़्यादा अच्छा कमेंट होगा मैं उसका फ्री स्केच बनाऊंगा, और भी हमारी वीडियो जैसी आती रहेगी यार। थैंक यू सो मच।